नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों खासकर की सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय आजम खां, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये यूपी के विकास का चुनाव है। उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहाँ कहकर जाता हूँ, अपने आप में रहिए, घर में रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर माफिया दिखाई पड़ता है तो तीन ही जगह दिखाई देता है, एक उत्तर प्रदेश के बाहर, दूसरा जेल में और तीसरा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट में। मित्रों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को एकदम पटरी में लाने का काम किया है। अखिलेश बाबू की सरकार थी तब 5 साल में जो आंकड़े थे, और योगी जी की सरकार 5 साल चली, इसमें जो आंकड़े बने हैं वो देखने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने डकैती में 70% की कमी करी है। कितने प्रतिशत की? लूट में 69% की। कितने प्रतिशत की? हत्या में 29% की। कितनी? बलात्कार में 30% की। कितनी? और अपहरण में 35% कमी हुई है। अखिलेश बाबू, चर्चा करनी है तो मेरे लोनी के चौराहे पर आ जाओ, हमारा विधायक आकर खड़ा हो जाएगा और आपको जवाब दे देगा। आप क्या कानून और व्यवस्था की बात करते हो? कानून और व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने ठीक करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बदलाव लाने का काम किया है। मैं सिर्फ लोनी जिले की बात करता हूं। लोनी जिले में गरीबों के आवास 3,000 दिए गए। कितने? 3,000 गरीबों को। आयुष्मान भारत के कार्ड जिसमें 5 लाख तक का इलाज गरीब फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है, 90,000 लोगों को देने का काम किया गया। वहीं बुलंदशहर के स्नेहा गार्डन में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश ने कहा कि योगी जी पर कोई भी भरोसा न करें। साथ ही कहा कि एमएसपी कोरोना में बर्बाद हो गई है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 10 फरवरी 2022 को समाजवादी सरकार बनने जा रही है। बुलंदशहर के छतारी में हाथरस जैसा कांड होता है जो कि बहुत ही अपमानजनक और दुखद भी है। तो क्या उन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़ा हुआ? जिस संकल्प पत्र में पहले पन्ने पर ही लिखा गया है, पहला संकल्प ये है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो गई? वहीं फरुखाबाद में आचार संहिता के खुलेआम धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक और बीजेपी प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का मेन रोड से लेकर गली मोहल्ले तक पोस्टर लगाया गया है। इतना ही नहीं, कोविड प्रोटोकॉल्स की भी अनदेखी की गई है। बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक बिना मास्क के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन इस मामले में अभी तक अनजान बना हुआ है। वहीं देवरिया के बरहा से बसपा प्रत्याशी विनय तिवारी उर्फ बंटी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक का मुद्दा उठा लिया। इस दौरान उनका कहना था कि बरहज विधानसभा में एक भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। आज भी बरहज की सड़कें जर्जर हैं और नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं। यही बीजेपी सरकार का विकास है। बीजेपी सरकार ने नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपने बरहज विधानसभा क्षेत्र की समस्त सामान्य जनता से आशीर्वाद की कामना करता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और रही बात यहां पे मुद्दों की, तो यहां पे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो आप देख रहे हैं कि यहां पे
बहुत सारा झूठ फैलाया जा रहा है, बोला जा रहा है। आप बताइए, प्रत्याशी बोलते हैं कि हम चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर पुल बनवा देंगे। 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल में आपने क्या किया? 6 महीने में आप बोलते हैं पुल बनवा देंगे, 6 महीने में जब तक सरकार जाएगी जब तक पानी बढ़ जाएगा तो 6 महीने में पुल कैसे तैयार हो जाएगा? 6 महीने में पुल तैयार हो सकता है क्या? संत कबीर नगर के खलीलाबाद में बीजेपी नेता वैभव चतुर्वेदी ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें युवाओं ने वैभव चतुर्वेदी का भव्य स्वागत किया। वैभव की माने तो खलीलाबाद की विधानसभा सीट पर जनाधार उनके साथ है। इस विधानसभा में समर्थकों से चर्चा के बाद ही वो कोई निर्णय लेंगे। अगर समर्थक कहेंगे तो उनके सम्मान में चुनाव मैदान में उतरेंगे। आभार यात्रा के दौरान वैभव चतुर्वेदी से बात की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने। सुनिए क्या कहना है वैभव चतुर्वेदी का। युवाओं के साथ में, युवा समर्थकों के साथ वैभव चतुर्वेदी ने सड़क पर उतर चुके हैं और युवाओं का आभार व्यक्त करने के लिए एक लंबा काफिला युवाओं के साथ इनका निकल रहा है। वैभव चतुर्वेदी जो है पूरे जब से टिकट इनका कटा है और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन युवाओं के साथ जो है करना शुरू कर दिया है और शक्ति प्रदर्शन इस तरह से युवाओं में जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। युवा सड़कों पर उतर चुके हैं वैभव चतुर्वेदी के समर्थन में। वैभव जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा काफिला, कैसा जोश? ये विधानसभा खलीलाबाद में युवाओं की जो आवाज़ है उनको जन आभार यात्रा के माध्यम से जो मेरे युवाओं ने जो संघर्ष किया है, मेरे लोगों ने जो संघर्ष किया है, वह एक बार उनको आभार प्रकट करने के लिए जन आभार यात्रा निकाली गई है। शक्ति प्रदर्शन से क्या आप दिखाना चाहते हैं? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह जन आभार यात्रा है। विगत 4 सालों में जो संघर्ष यहाँ पर युवाओं ने किया है, जो 4 सालों तक आतंक भय द्वेष की राजनीति इस विधानसभा में रही है, जो आज लोगों को ठग करके लाल टोपी के ध्वजवाहक जो आज टहल घूम रहे हैं, आज उनको एक सबक सिखाने के लिए जो हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को मैं आभार देने के लिए निकला हूं। मेरी शीर्ष नेतृत्व ने जिसको भी टिकट दिया वो हम सभी लोगों को स्वीकार है, पर लोगों के प्रति आभार प्रकट करना मेरा काम है, मेरा धर्म है, वो मैं कर रहा हूँ। ये जो युवा शक्ति है आपको क्या कह रही है, क्या मैदान में उतरेंगे? 4 सालों तक युवाओं ने संघर्ष किया है, युवाओं का क्या मैंडेट है ये आप देख सकते हैं, क्या निर्णय होगा ये माँ समय माता महारानी अभी बताएंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। तो ये युवाओं की शक्ति है और युवा शक्ति जो है वैभव के साथ है और साफ तौर पे युवा जो है वैभव चतुर्वेदी के साथ है और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनके समर्थक जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ जो है वैभव चतुर्वेदी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा से नामांकन के दौरान राकेश प्रताप सिंह का कहना था कि इस बार सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, इस बार उनकी जीत 50,000 से ज्यादा वोटों से होगी। साथ ही कहा कि प्रदेश में अखिलेश की सरकार वापसी तय है। और क्या कुछ कहा राकेश प्रताप सिंह ने, आप भी सुनिए। आज पर्चा भरने जा रहा हूँ और मुद्दा सिर्फ एक है कि जनता के लिए सुलभ रहूंगा और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हमको लगता है कि जनता को ना तो चांदी की फड़क चाहिए ना सोने का घर चाहिए, जब वो दुख तकलीफ में हो तो उसके दरवाजे पर पहुंच के उसके आंसू को पोंछा जाए और उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया जाए। ये प्रयास मेरा लगातार पीछे भी रहा है और आगे भी रहेगा। सड़कें बनवाना, बिजली कर लगवाना या पावर हाउस लगवाना, अस्पताल बनवाना, ये सब कर चुका हूँ।
पुल बनवाना, जितने भी पुलों की ज़रूरत थी मेरी विधानसभा में सब बन गए हैं, जहां पावर हाउस की ज़रूरत थी बन गए हैं, जहां एक दो जगह और कमी रह गई थी वो भी प्रस्तावित है, सर्वे हो गया है, उनका भी काम शुरू होने जा रहा है। संभल के सपा प्रत्याशी इकबाल महमूद का विवादित बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगा दिया। साथ ही कहा कि उनकी कोई औकात नहीं है। दो लड़के वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये बातें कही। साथ ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को युवा बताते हुए उनकी तारीफ की। वहीं उन्होंने दंगों के बहाने हिंदुओं को डराने का सीएम पर आरोप लगाया। इकबाल महमूद ने कहा कि नेताजी सपा की जीत चाहते हैं, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के निर्देश पर काम कर रहे हैं। डर और खौफ, समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, वो डरा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को हमारे, कि जोड़ी आ रही, जोड़ी इंशाल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर विकास ही विकास कराएगी। ये युवाओं की जोड़ी है, ये युवाओं का युग है, युवाओं के लिए सब कुछ करना है, उनकी उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनके कॉलेजेस, उनकी नौकरी, उन सबको रोज़गार, ये सब देने की बातें युवा ही युवा के लिए सोच सकता है। उनके बयान किस मायने, क्या मायने रखते हैं जो उन्होंने कहा कि यूपी में दो दो, दो युवा की जोड़ी आ रही है दंगे कराने के लिए आ रही है? वो तो ये कहकर तो वो दंगा कराने के लिए असल में बीजेपी वाले ही दंगा कराते हैं। पीलीभीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजिर याज अहमद के बेटे शानी अली ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। इस दौरान उनका कहना था कि वो हाजिर याज अहमद की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। लॉलीपॉप देरी है या फिर वो उसका समाजवादी की नीति है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीति है। मैं यहाँ पे पीलीभीत ज़िले में मंत्री जी का जो कार्य किया हुआ है, मंत्री जी के जो लोग हैं, मंत्री जी के जो लोगों ने स्नेह दिया हुआ है, मैं मंत्री जी की विरासत को, उनके लोगों के स्नेह को प्राप्त करने के लिए आया और मुझे किससे नहीं है एतराज़ के कौन क्या कर रहा था, ना मुझे कहना है ना मुझे करना है, मुझे अपना क्षेत्र, अपनी जनपद, अपनी विधानसभा को देखना है। किससे लड़ाई मानते हैं यहाँ पर 127 विधानसभा में? हम लोगों की लड़ाई तो वैसे देखा जाए किसी से नहीं है, लेकिन हम लोग मौजूदा विधायक जो हैं सत्ता के हमारे, हम लोग ऑब्वियस है जो है, वैसे हम लोग किसी को लड़ाएंगे, हम लोग सबको चुनौती देंगे तो हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अमेठी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसओजी और गौरीगंज की पुलिस टीम ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को लुटेरों के पास से लूट के 15,000 रुपए, 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बता दें कि बीते 11 जनवरी को लुटेरों ने बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से तमंचे के बल पर 45,000 रुपए लूट लिए थे। मुखबिर की सूचना पर एसओजी और गौरीगंज पुलिस ने सेठा चेक पोस्ट के पास से सभी लुटेरों को गिरफ्तार किया। एसपी दिनेश सिंह ने मामले का खुलासा किया, साथ ही गिरफ्तार करने वाला टीम को 5,000 का इनाम भी दिया है। 11 जनवरी की घटना है, जब एनी बेजल निवासी मोहम्मद हमीद गौरीगंज स्टेट बैंक शाखा से 45,000 रुपए निकालकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनसे 3 अज्ञात व्यक्ति पैसे तमंचे दिखाकर छीन लिए थे। घटना अज्ञात थी, टीमें गठित करके प्रयास शुरू किया गया और पुलिस को सफलता मिली। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, राम सिंह जो कि सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ निवासी है, कबीर पटेल जो कि रीवा मध्य प्रदेश का है और सुनील तिवारी जो सिद्धार्थनगर। इन लोगों के पास से लूट का 15,000 रुपये बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है और इन्होंने घटना का इकबाल भी किया है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग अवैध नर्सिंग होमों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके कारण आए दिन गलत इलाज से मरीजों की मौत हो रही है। ताजा मामला जीटी रोड के शांति मिशन नर्सिंग होम का है, जहां पर दिल्लीपुर के महेश ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती कराया था, साथ ही 18,000 रुपये भी जमा कराए थे। डॉक्टर्स ने महिला का ऑपरेशन किया तो उसकी हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने महिला को ऑक्सीजन की कमी बताकर कानपुर के लिए रेफर कर दिया। परिजन महिला को एम्बुलेंस लेकर कानपुर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजन रात में ही महिला के शव को अस्पताल लाकर शव को गेट पर रखकर डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजन अस्पताल और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहते हुए नजर आए हैं। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर मृतका के परिजनों ने नर्सिंग होम के खिलाफ लिखित में पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है।
कोई पेशेंट एक्सपायर कर गया है ऑपरेशन के दौरान, तो बस सूचना में फिर मैं गया था, वहाँ पे ताला पड़ा मिला था, मैंने आसपास लोगों से पूछा, पता नहीं चल पाया मुझको ये, तो मैं उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। जो फ़ोन नंबर है मैंने उन फ़ोन को नोट कर लाया हूँ, फ़ोन मैंने मिलाने की कोशिश की, कोई फ़ोन उनका उठा नहीं है, तो मैं आज फिर जो है व्यक्तिगत रूप से जाऊँगा और अपने आदमी भेजूँगा, क्या क्या पूरा मजरा उसको मैं समझूँगा, अगर हकीकत है और इनका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी बहन को शादी दलीपुर में महेश के लोधी के यहाँ किया, उसका पति महेश लोधी है और मेरे बहन का दूसरा बच्चा ये था, पहला बच्चा 5-6 साल का था। इसके बाद हमने अलका के यहाँ भर्ती किए थे और ये उसी के अस्पताल में जिस जहाँ पे घटना हुई उनके एक कस्टमर जो अब चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो मान लो वही काम करता हो, वो क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि ऑपरेशन में 6-7 कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, प्लेट पूरा बहा दिया और मरी लाश को हमारे एम्बुलेंस में जब ला दे तो ये उन्होंने बोलने लगे इसको टच नहीं करना, इसको कानपुर ले जाएंगे। मामला ये है सर कि मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ और वो वहाँ एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद में कानपुर में के लिए रिफ़र कर दिया, वहाँ से कि लेके जाइए इसको यहाँ से ऑक्सीजन लगवाइए ICU में। हम लोग उन्होंने कहा कि इसको टच बस नहीं करना है ना, कोई छेड़खानी करना, इसको चादर लगा दिया, उसके बाद में लेके वहाँ से। कुशीनगर की रामकोला थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान क्षेत्र के दमदारी नहर पुलिया के पास लूटी हुई पिकअप और ऑटो को पकड़ा। SP सचिंद्र पटेल ने बताया कि अपराध पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के दौरान दो वाहनों को बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बिहार प्रांत के बेतिया और मोतिहारी जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास एक जिंदा कारतूस और तमंचा भी बरामद किया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जालौन में पुलिस के चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार के निर्देशन में जालौन कोतवाली निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने अकोड़ी दुबे के पास 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। बस्ती के टेमा गांव के अपहृत बच्चे अब्दुल रहमान को पुलिस ने नेपाल से सकुशल बरामद किया है। अपहरण के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। अपहरणकर्ताओं को ट्रेस करते हुए पुलिस नेपाल तक गई और नेपाल पुलिस के सहयोग से बच्चे को सकुशल बचा लिया। अपहरणकर्ता नेपाल पुलिस की कस्टडी में है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नगर थाना के टेमा गांव में अर्शद के घर नेपाली युवक देवेंद्र कुमार बीते 1 साल से रह रहा था। 31 जनवरी को उनका बच्चा अचानक लापता हो गया। जब घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो बच्चा नहीं मिला और घर पर काम करने वाला नेपाली युवक भी लापता था। पुलिस को घर वालों ने इस बात की सूचना दी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस जाँच में पता चला कि नेपाली युवक साइकिल से बच्चे को लेकर नेपाल गया। इसके बाद बस्ती पुलिस ने नेपाल की पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारी भेजी। नेपाली युवक ने बच्चे का अपहरण करने के 3 दिन बाद यहां पर डिमांड की 3 लाख की और घर वालों को फोन कर 3 लाख लाने को कहा और बच्चे को ले जाने को कहा। इकतीस तारीख की रात में ये सूचना नगर थाने पर प्राप्त हुई कि वहीं के टेमा के रहने वाले 4 साल के युवक का उनके परिवार के जानने वाले एक नेपाली युवक ने अपहरण कर लिया है और 1 तारीख की सुबह से इनके परिवार को मैसेज भेज करके उसने रैंसम की एक पैसे मांगने शुरू किए और पैसे ना मिलने पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना शुरू की। इस सूचना पर फौरन ही हमारी जनपद के एडिशनल SP और हमारे CEO गलवारी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई और 4 टीमों ने बच्चे के ढूंढने के लिए, चूँकि ये नेपाल का रहने वाला था तो नेपाल बॉर्डर और आसपास के रेलवे स्टेशन और बसों के आसपास हमने अपना जाल फैलाया। हमारे द्वारा फैलाए गए जाल में अल्टीमेटली ये नेपाली युवक बुटवल नेपाल में जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है रूपनदेही, वहाँ के बुटवल में पकड़ा गया जिसमें नेपाल पुलिस ने भी हमारी भरपूर सहयोग किया। आगरा में थाना सिकंदरा पुलिस और SOG टीम ने अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बदमाश पुलिस बनकर कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पहले भी थानों में ईरानी गैंग के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बताया भी जा रहा है कि सभी बदमाश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वही आरोपियों के पास से भारी मात्रा में जेवरात, नकदी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आगरा पुलिस ने सिकंदरा पुलिस और SOG की मदद से एक आगरा में टप्पेबाजी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग को लोग ईरानी गैंग के नाम से भी जाने जाते हैं जानते हैं।
इसको ईरानी गैंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कद काठी उस तरह का है, और ये अपने कद काठी का फ़ायदा उठाकर अपने आप को पुलिस वाले बताकर आम जनों से टप्पेबाजी, छिनैती और चोरी किया करते थे। ये हमारे आगरा जनपद से एवं दूसरे राज्यों में जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र में कई मामलों में वांछित हैं, इनको आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।